सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको जिस तरह का डबल एक्सपोजर अलोन कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग कर सकते हो पिक्सेल एप्लीकेशन की मदद से। तो अगर आपको अपने फोटो को कुछ इस तरह का एडिट करना है तो अगले वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पिक्सेल एप्लीकेशन में अपने फोटो को ओपन कर लेना है और आपको भी इसी तरह से फोटो क्लिक करना है ताकि अच्छे से एडिट हो। तो इस फोटो का हमें सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट करना है, तो इसके लिए टूल्स वाला ऑप्शन में जाएंगे, एडजस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे फोटो के सैचुरेशन को डिक्रीज कर देंगे बिल्कुल -100, तो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। नेक्स्ट हम थोड़ा सा ब्राइटनेस को इंक्रीज करेंगे, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज और हाइलाइट्स को और शेडो को डिक्रीज कर देना और यहाँ से कर देना डन। तो ये हो जाने के बाद आपको ये वाला आइकन या फिर इस वाला आइकन पर क्लिक करके इस फोटो को सेव कर लेना है और बैक करके एक और फोटो को ऐड कर लेना है जो इसके सामने आपको लगाना है। तो मैंने यहाँ पे इस वाले फोटो को भी ऐड कर लिया, इसे भी सेम हमें ब्लैक एंड व्हाइट करना है। तो टूल्स पे जाके एडजस्ट पे जाते हैं, सैचुरेशन को -100 और यहाँ पे जस्ट आपको शेडो को थोड़ा सा डिक्रीज करना है -14 और यहाँ से डन कर देना, फिर इसे भी यहाँ पे सेव कर देना। तो ये दोनों फोटो तो ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। अब हमें पिक्सेल एप्लीकेशन को वापस से ऑन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे पिक्सेल एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना, फिर एडिट फोटो पर क्लिक करना और यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करके आपको यहाँ पे व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है। तो आपके सामने यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड आ जाएगा, इसे मैं यहाँ पे फ्लिप कर लेता हूँ। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसे पोर्ट्रेट के साइज़ में क्रॉप करना है। तो इसके लिए टूल्स वाला ऑप्शन में जाएंगे, क्रॉप वाला ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे पोर्ट्रेट पे क्लिक करके डन कर देंगे, तो हमारा क्रॉप हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे जाएंगे ऐड फोटो वाला ऑप्शन पे और हमने जो पहले वाला फोटो को जो हमने ब्लैक एंड व्हाइट करा था उसे ऐड कर लेंगे, बैकग्राउंड को रिमूव करके ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है और इस वाले फोटो का जो बैकग्राउंड है मैंने एक एक क्लिक में रिमूव कर लिया था। अगर आपको भी सीखना है कि एक एक क्लिक में बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं तो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फिर आपको कुछ इस तरह से अच्छे से एडजस्ट करने के बाद आपके यहाँ जो इरेज वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे इरेज वाला ऑप्शन पर क्लिक करना, हार्डनेस को 1 पे साइज अपने हिसाब से रख सकते हो और जस्ट आपके यहाँ पे साइड साइड से इस तरह से इरेज करना है जिससे यहाँ पे साइड में थोड़ा सा फेड टाइप का लुक आएगा और फोटो शाइनी भी लगेगा। और इस तरह यहाँ पे कर लेता हूँ और ये हो जाने के बाद यहाँ से डन। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ से भी डन कर लेता हूँ। नेक्स्ट हम जाएंगे फिर से ऐड फोटो पे और अपने दूसरे फोटो को ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे ऐड कर लिया है, इसे ऐड करने के बाद आपको इस तरह से इसे जूम करना है, फिर यहाँ पे ओपेसिटी को रख लेना 50% के आसपास, इससे ज़्यादा मत रखना वरना पीछे वाला फोटो नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम देख सकते हो आप, इसके बैकग्राउंड बाहर के साइड भी आ रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इरेज वाला ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे इरेज पे क्लिक करके हार्डनेस को 80% के आसपास साइज अपने हिसाब से रख के जस्ट आपको बाहर वाले पार्ट को इस तरह से इरेज कर देना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से इसे इरेज कर लेता हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो छोड़ के मत जाओ। इसके बाद एक और स्टेप है जो कि हमारे फोटो के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे इसे कर लिया, यहाँ से कर लेता हूँ डन और यहाँ पे थोड़ा सा रह गया, इसे वापस से अप्लाई कर लेता हूँ और यहाँ से भी डन। ये हो जाने के बाद हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसे शार्प लुक देना है। तो इसके लिए टूल्स वाला ऑप्शन में जाके एडजस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे फोटो का जो शेडो है इसे आपको -70 के आसपास डिक्रीज कर लेना है। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ -68, फिर हाईलाइट्स को कर लेंगे थोड़ा सा डिक्रीज और क्लैरिटी को इंक्रीज कर देंगे। ये हो जाने के बाद कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे और यहाँ से कर देंगे डन। तो हमारा फोटो यहाँ पे फाइनल एडिट हो गया, देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। इसके बाद ये वाला आइकन पे क्लिक करके अपने फोटो गैलरी में सेव कर लेना। तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक और अच्छे से कमेंट करना मत भूलना और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे।